हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा ट्विस्ट। तो चारों तरफ बातें हो रही हैं कोरोना वायरस की और उसके बचाव में सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी निकाले हैं, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और वो है इम्यूनिटी सिस्टम की। तो आज मैं ऐसी एक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को हेल्दी बनाएगा। आज के रेसिपी में जो हमारा जो बेस है वो एक रहेगा, लेकिन उसको मैं आपको दो स्टाइल में बताऊंगी। दो स्टाइल मतलब जो दोनों का मसाला होगा वो अलग होगा, लेकिन दोनों इक्वली टेस्टी है। तो चलते हैं दीक्षा किचन में और देखते हैं कि ये मैंने बनाया कैसे है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो लिया है मैंने बैगन। आप कोई भी बैगन ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है यहाँ पे ये छोटा वाला बैगन। इसके लिए मैंने लिया है सेम, इस सीजन में सेम बहुत अच्छा मिलता है तो सेम लिया है। और आप आलू चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलू लिया है बिकॉज ये बॉयल रहेगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा फैटनिंग होगा। तो हम जो है वो सेम का रेशा निकाल लेंगे और इसको दो पार्ट में काट देंगे। छिल लिया क्यूब्स में काटा है बिकॉज मतलब क्यूब्स मतलब पूरा नहीं रखा बिकॉज ये सब बॉइल होगा। तो या तो आप सबको एक साथ बॉइल कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन सबको मैं एक साथ बॉइल करूंगी तो आलू ज्यादा टाइम लगता है गलने में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर लिया ताकि सेम बैगन सबके साथ ही एक सीटी में ही गल जाए। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे ये जो बैगन, इसको बस हम सिर्फ बीच से चीरा लगाएंगे। देख सकते हैं, मैं चेक करती हूँ कि कोई कीड़ा तो नहीं है बिकॉज बैगन एक ऐसा सब्जी है जिसमें पता नहीं चलता है कि कीड़ा है कि नहीं जब तक आप उसको अंदर से काटे ना, बाहर से बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। तो चीरा लगा लगा कि मैं ऐसे सारे बैगन को रख लूंगी। इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम ये सारा चीज एक ही साथ डाल देंगे। शुरू शुरू में जब मैंने ये बनाया तो मुझे लग रहा था कि कैसे बनाऊंगी बिकॉज ये जो आलू है वो बहुत देर से गलता है और सिम और बैगन तो जल्दी गल जाएगा, तो मैंने भी काफी घोटाले किए थे। लेकिन फिर मम्मी के साथ रह रहे कि मुझे लगा कि नहीं, मम्मी को देख देख के इनफैक्ट मैं सीख गई कि जो आलू का क्यूब्स है वो कितना होना चाहिए, सेम कितना काटू और बैगन। तो आई थिंक हमारी जो मम्मियां होती है ना वो रियल शेफ है। तो इसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। तो और ढक्कन लगा देंगे हम कुकर का। एक सीटी तक हम इसको रखेंगे, एक सीटी के बाद हम इसको बंद कर देंगे। आई होप कि एक सीटी के बाद हमारा ये हो जाएगा। तो मैंने बॉईल कर लिया था ये सारा चीज पहले, आप देख सकते हैं ये सेम बॉईल हो गया है, ये आलू और ये बैगन जिसको मैंने दो टुकड़ों में काट दिया था और ये रहने दिया था। हम खाएंगे तो नहीं बट जस्ट फॉर अ शो। और इसको मैंने दो पार्ट में कर लिया बिकॉज इसका मैं दो रेसिपी बताऊंगी आपको, दो डिफरेंट ढंग से बनता है। तो जो पहला है वो मैं आपको बता दूं, तो पहले वाले में पड़ेगा ये सरसों का पाउडर जिसको मैंने घर में ही पाउडर करके रखा है। तो ये सरसों का मसाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे सरसों तेल। कच्चा सरसों तेल डाला मैंने और उसके बाद सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये इसको बस बॉईल करने में ही जो कुकिंग का हमारा प्रोसेस है, अदरवाइज ये एक तरह से नो कुकिंग फूड है। और ये आप आराम से इसको हम फर्मेंट कर होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा जो सरसों वाला स्टाइल है वो रेडी हो चुका है और अब हम बनाएंगे अपना मसाला वाला स्टाइल। इसके लिए सबसे पहले हमें मसाला को रोस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने लिया एक पैन। तो इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया। धनिया ज्यादा डाला है मैंने और उस हिसाब से दो चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, हल्दी। तो उसमें पहले वाले में हमने जो किया था वो था सरसों का मिक्सचर, इसमें हमारा रहेगा धनिया जीरा वाला मसाला जिसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि कच्चा स्मेल ना आए। इसलिए तो हल्का हल्का ये स्मेल आने लगा है, यानी कि ये भुना चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे इसमें जो हमने ये रेडी करके रखा था।
साथ में डालेंगे हम अपना टेस्ट मेकर सॉल्ट, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, कच्चा ऑयल। ये बहुत इजी, बस उबाल के हमें इसको ऐसे मसाला डाल देना है और इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर, अगर ये ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडा है तो 2 दिन भी लग जाते हैं, अगर गर्मी है तो अगर आप सुबह देंगे तो शाम तक भी हो जाता है, रात में देंगे तो सुबह तक हो जाता है। तो ये उस टाइम के पर्टिकुलर वेदर पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब तक रखेंगे। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपने देखा कि कल मैंने दिया था इस दोनों को फर्मेंट होने के लिए और ये रेडी हो चुका है, तो आई थिंक इसको 13-14 आवर्स लगे अच्छे से इसको हल्का फर्मेंटेशन में, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये वाला जो था ये मसाला वाला था जिसमें हमने धनिया जीरा डाला था, और ये वाली जो रेसिपी है ये जो है वो सरसों वाली है जिसमें हमने कोई भी मसाला नहीं डाला था और हमने सरसों डाला था, हल्दी और लाल मिर्च डाला था। तो जनरली आप इसको लोग रोटी के साथ खाते हैं और हमारे यहाँ खाते हैं दाल के पराठा के साथ, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ये दाल के पूरी या पराठा के साथ खाने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई थिंक मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा सा पीस लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, इट्स सो सिंपल। आपने देखा मैंने इसको सिर्फ बॉईल किया, थोड़े से पानी में एक सीटी लगाया, ये बन गया। और इसको मैंने कुछ भी फ्राई नहीं किया, इसमें कुछ भी टाइम नहीं दिया, जो घर में मसाला अवेलेबल था उसी मसाले से मैंने बनाया। तो ये झट से बनने वाला रेसिपी और काफी हेल्दी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने खाने में कभी कभी जो फर्मेंटेड फूड है वो जरूर यूज करना चाहिए, बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स के अपने